हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूँ मौजूद इस वक्त इस्तांबुल में, और मेरे पीछे जो है ना, ये म्यूज़ियम है, एविएशन का म्यूज़ियम है। यहाँ पे काफ़ी एयरक्राफ्ट रखे हैं अंदर, और यहाँ पे अभी बज रहे हैं सुबह की 11, लेकिन क्लाइमेट यहाँ पे अभी भी ठंडा है। देखो, क्लाउडी है वेदर, बारिश का है थोड़ा सा फोरकास्ट, लेकिन होपफुली नहीं आए, ताकि हम लोग थोड़ा इन्जॉय करें अंदर। और ये एयरपोर्ट एरिया में ही है, अतातुर्क एयरपोर्ट जो है ना, वहीं है ये म्यूज़ियम। तो ये सिक्योरिटी गेट था, यहाँ सिक्योरिटी गेट में आपको फ्रिस्किंग करेंगे। एक फ्रिस्किंग मशीन रहता है, जैसे एयरपोर्ट पे रहता है ना, वैसी फ्रिस्किंग हुआ, और पर पर्सन 400 टर्किश लिरा था। अप्रॉक्सीमेट 12 USD है इसका फेयर प्राइस। और आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ना मेन रोड है, मैं वहाँ से ये सिक्योरिटी गेट क्लियर करके अंदर आ गया हूँ। ये हमारे ओटोमन के प्रिंस पुराने। तो ये म्यूज़ियम में दोस्तों काफ़ी एयरक्राफ्ट रखे हैं। मेरे पीछे भी एक बड़ा एयरक्राफ्ट था, और एक फ्लाइंग फाइटर जेट देखो कैसा खड़ा है। तो साथ ही में हम लोग अभी चलते जा रहे हैं। एक पार्क कैसा है, ओपन ग्राउंड है, और जो अंदर का म्यूज़ियम है ना, उन लोग ने बताया कि समर में खुलेगा, फ़िलहाल बंद है। अंदर भी एविएशन म्यूज़ियम है, तो वहाँ जाना अभी मुनासिब नहीं है। तो हम लोग सिर्फ बाहरी जो एयरक्राफ्ट रखे ना, वहीं घूम रहे हैं, वीडियोस निकाल रहे हैं। मेरे साथ, मैं अकेला नहीं आया हूँ यहाँ पे, हमारे साथ आए हैं संजय भाई, ये इनकी वाइफ है। हेलो, ये है जितेन, और हम लोग साथ ही में आए हैं इस म्यूज़ियम में। और हम लोग काफ़ी टाइम से देख रहे थे, प्लान बना रहे थे, तो आज फाइनली वर्कआउट हुआ हमारा प्लान, और हमने डिसाइड किया यहाँ आने के लिए। एंड इट इज फन। तो आप लोग को कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, और वो भी इस वेदर में। बिल्कुल, वेदर अभी भी ठंड है, बहुत ठंड है यहाँ पे। ये CB 4720 स्काई ट्रेन है, और यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन लिखी है। साथ ही में ये वो एयरक्राफ्ट है भाई लोग, और साइड में ना सीढ़ी भी रखी है। प्रोपेलर इंजन है इसका, व्हील्स है, इतना हाइट में ऊपर है ये देखो। तो यहाँ पे इसकी सीढ़ी रखी है, अंदर जाके हम लोग देखते हैं कैसा है, कॉकपिट देखेंगे इसका। तो ये अंदर आके देखा मुझे, कॉकपिट में हम लोग अंदर नहीं जा सकते, लॉक किया हुआ है। और ये उसका कॉकपिट है, पुराने टाइप का एयरक्राफ्ट जो एक ज़माने में उड़ता था। दूर से मुझे देखो हैंड ब्रेक्स वगैरह क्या क्या दिख रहे हैं, उसका थ्रॉटल्स देखो गाइस, और उसका कैबिन ऐसा कुछ दिखता है। तो मुझे ना ये फाइटर जेट अच्छा लगा, क्योंकि ये एक फ्लाइंग जैसा रखा है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ना फोटो लिया हूँ, उसका फोटो आप लोग देखेंगे। तो ये मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये है स्टार फाइटर जेट, कितना ऊपर है देखो, जो मैंने फ़ोटो लिया हो ना, ये आप लोग को अभी नज़दीक से देखने को मिलेगा। और ये है उसके व्हील्स और लैंडिंग गियर, जो टेक ऑफ के बाद ये जो लैंडिंग गियर के डोर से उसके अंदर जाते होंगे। और ये है नोस लैंडिंग गियर, ये वाला, ये आगे की तरफ होता है। और जाहिर सी तौर पे ये एक फाइटर जेट है, तो इसके अंदर मिसाइल्स बुलेट्स वगैरह भी हो गए। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद यहाँ से बुलेट्स जाते होंगे, ये भी कुछ होगा बुलेट्स का, और यहाँ होगा मिसाइल्स का, क्योंकि यहाँ मुझे एक डोर दिख रहा है, ये वाला, बाहर आके मिसाइल्स मारने के लिए काम आता आएगा। कितना नज़दीक से मैंने आप लोग को दिखाया हूँ, बहुत अच्छा है ये म्यूज़ियम। थोड़ा सा नॉइजी नहीं लग रहा है, क्योंकि आज संडे का दिन है, ज़्यादातर पब्लिक तो संडे में यहाँ पे आराम करना पसंद करती है, तो घर पे होगी या कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गएंगी। हमें टाइम मिला संडे के दिन, तो हम लोग ने प्लान किया कि एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम विज़िट करते हैं। ये एक अलग फाइटर जेट है, और उसका मिसाइल भी रखा है नीचे, जो बॉम्बार्डिंग के लिए काम आता था। तो आप लोग ने काफ़ी बॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होगा, हर हीरो उतरता है फाइटर जेट से। तो आज हम लोग
आपको इस मेरे वीडियो में आप लोग सामने से लाइव देख रहे हो, और हर एयरक्राफ्ट के पास उसका इंस्ट्रक्शन रहता है, उसका मॉडल नंबर वगैरह। ओ भाई लोग देखो कितना नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये है वो कॉकपिट जो हमारे पायलट फाइटर जेट्स के बैठते होंगे, और ये है वो प्लेन, देखो कितना बड़ा है ना माशाल्लाह। ये है एक अलग मॉडल, इसका नाम है फ्रीडम फाइटर, और मोस्टली इंडिया में भी ऐसे एयरक्राफ्ट यूज़ होते हैं हमारे इंडियन आर्मीज के पास। और ये है वो बुलेट्स जो एयरक्राफ्ट पे रहती हैं अंदर। मैं अंदर जाके नज़दीक से आप लोग को वीडियो नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि ये बैरिकेड लगा है, इसीलिए यहाँ खड़े रह के निकाल रहा हूँ, आप लोग यहाँ ही से देख लो। और मेरे तो नज़दीक ही है काफ़ी, लेकिन फिर भी प्रोटोकॉल से अंदर नहीं जा सकते हम लोग। तो ये है वो बुलेट्स। ना मेरे को अभी ना दोस्तों ठंडी बहुत लग रही है, कान में हवा जाएंगी तो मैं शायद बीमार हो जाऊंगा। मेरा जैकेट बहुत अच्छा है वैसे भाई, मेरे मेरी शाइस्ता ने मेरे को दी थी, बोली थी ये लेके जाओ तुर्की में काम आएगा, सीरियसली काम आ रहा है। तो मैं भी ज़रा ये पहन लेता हूँ, ठंडी इतनी है ना, ये नाक भी सुन हो रही है, यहाँ ठंडा लग रहा है पूरा। वैसे यहाँ पर शाइस्ता और बच्चे लोग आते ना तो काफ़ी इंजॉय करते थे, लेकिन इंशाल्लाह वीडियो में देख लेंगे, और अल्लाह ने मौका दिया तो दोबारा आएगी तुर्की में इस म्यूज़ियम में। तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं ना सारे एयरक्राफ्ट खड़े, कितना अच्छा लग रहा है। और इस वीडियो से मैं आप लोग यही दिखाना चाहता हूँ कि ये फील्ड बहुत अच्छी है, आप लोग आपका कैरियर बनाना चाहते हो एविएशन में तो मोस्ट वेलकम, आपके बच्चों लोग को भी इनक्रेज करें ताकि पढ़ाई करें अच्छी, पायलट्स इंजीनियर्स बने, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में क्रू बनना चाहते तो क्रू बने, कमर्शियली काम करना चाहते हैं एयरपोर्ट पे तो वो भी अच्छा है। तो मेरे लिए तो आज मेरा ड्रीम पूरा हो गया कि मैं म्यूज़ियम में आया हूँ जहाँ मुझे पुराने टाइप के एयरक्राफ्ट देखने को मिल रहे हैं। वैसे अभी तो मॉडर्नाइज वर्ल्ड है, मॉडर्न एयरक्राफ्ट का ज़माना है। तो ये है मेरा लुक, अभी मैं ऐसा अपने आप को रैप कर दिया क्योंकि यहाँ पर ठंडी बहुत लग रही है, कान भी कवर्ड हो गए, बाल भी चुभ गए, उससे चेहरा दिखेगा मेरा। और अभी हम लोग चलते चलते सारे एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी एयरक्राफ्ट हैं ना इस म्यूज़ियम के अंदर, ये प्योरली तुर्की एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से, पुराने एयरक्राफ्ट से, मोर देन 60 इयर्स 50 इयर्स पुराने, जब ये फ्लाई करते थे। अभी ये रिटायर्ड हो गए तो इनको इन्होंने म्यूज़ियम में लाके रख दिया है। ये बिल्कुल एक रनवे के जैसा बना है, वहाँ पे है ना रनवे की मार्किंग्स भी है, आप लोग को दिखा दूँ दूर से। और ये देखो ये पूरा रनवे, जनरली है ना ये रनवे इसीलिए बना है यहाँ पे ताकि लोग जो प्लेन ला रहे होंगे ना उसको पोजीशनिंग के लिए करने के लिए, ठीक है। ये प्लेन यहाँ से टेक ऑफ नहीं लेते होंगे क्योंकि सारे प्लेन है ना डेड है, रिटायर हो चुके हैं, एक ज़माने में उड़ते थे, अब नहीं उड़ते। ये देखो कितना बड़ा है, इसको पिट आउट स्पीड का बोलते हैं, और ये जनरली एयरक्राफ्ट की एक स्पीड को सेंस करने के लिए होता है। इसके नोज पे है ये बिल्कुल, और ये प्लेन की ना लेंथ भी बहुत बड़ी है। ये भी एक अलग टाइप का फाइटर जेट है जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा है दोस्तों, और ये भी यूज़ होता था बॉम्बिंग के लिए। तो जो बॉम्बिंग के लिए लोडिंग इक्विपमेंट है ना वो ये है, और ये था वो टाइम का बुलेट बॉम्बर, फाइटिंग्स में यूज़ होता था तुर्किश एयरफोर्स में। और साथ ही में उसके बाजू में जो ये एयरक्राफ्ट है ना, ये जनरली पायलट ट्रेनिंग के लिए एयरक्राफ्ट यूज़ होते हैं, और एयरफोर्स के पायलट्स को भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है ना, या अपने कमर्शियल एयरक्राफ्ट के पायलट्स, तो इस एयरक्राफ्ट पे छोटे एयरक्राफ्ट पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है पहले। शार्क का मुंह बनाया है इस फाइटर जेट पे, और उसकी भी बुलेट्स रखी है अंदर। और उसके बाजू में मेरे को दिखा है ये हेलीकॉप्टर, जनरली एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर भी रहता है जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये भी एक ओल्ड टाइप हेलीकॉप्टर है भाई लोग, देखो छोटा हेलीकॉप्टर अलीमिरा, तुम इसमें फ्लाई करके जा सकते किधर भी,
ये बहुत छोटा है लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। और ये इसका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, इसका नाम कुछ है रॉबिन्सन R22 बेटा, ये बेटा है, बेटा अच्छा हेलीकॉप्टर है, एक टाइम में यूज़ होता था अपने एयरफोर्स में तुर्किश में। जनरली आप लोग को याद है बॉलीवुड की मूवीज़ में जब हीरो भागता था विलन को मारने, तो विलन ऐसे हेलीकॉप्टर पकड़ के भाग जाते थे, अमरीश पुरी, शाकाल वगैरह वगैरह वगैरह, पुरानी पिक्चर्स में अभी भी होता होगा। ये है एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट, मैं इसके अंदर जाके आप लोग को बताऊंगा इसका नज़ारा। और ये जो बाजू में है ना, ये शायद इमरजेंसी वैन है, फ्यूल बाउजर भी हो सकता है। और ये जो है ना, ये देखो, ये दूर से मैं दिखा रहा हूँ, ये मिसाइल से गाइस, एक ऐसा ये वाला है और एक दूसरा देखो उधर है राइट साइड में उसके, तो ये दोनों है ना मिसाइल है। हाँ भाई लोग, मिसाइल यही है वो मिसाइल जो यूज़ होता है बॉम्बार्डिंग के लिए। तो ये एक एयरक्राफ्ट है छोटा सा, ये इसका व्हील्स है, ये इसका प्रोपेलर शाफ्ट है, ये देखो आवाज़ आ रही है बिल्कुल, चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ बट है ना पेट्रोल नहीं अंदर तो नहीं उड़ेगा ये। ये है एक अलग तुर्किश एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट जो यहाँ पर है, और यहाँ पे हम लोग को अंदर जाने का मौका मिल रहा है। इसकी हाइट देखो कितना ऊपर है, इसका प्रोपेलर शाफ्ट इंजन, और जा सकते हैं हम अंदर। कितनी बारीक सीढ़ी है देखो स्टेज चढ़ने की। ओह ये है वो पुराना ज़माने का कॉकपिट, ये देखो पहले ना फ्लाइट ऑपरेशन इंजीनियर्स भी बैठते थे। और ये पीछे देखो सोफ़ा बेड जैसा है कुछ, और ये पुराना कॉकपिट है, पुराने केबल्स, पुरानी चेयर, पुराना थ्रॉटल डेक, पूरा अपना कॉकपिट का। ये है वो पैसेंजर एरिया, ये एयरक्राफ्ट मेडिकली यूज़ होता था जो जख्मी सोल्जर्स थे उनको लाने के लिए, तो ये वो रखा है। और कुछ और ये एयरक्राफ्ट है ना कार्गो के लिए भी यूज़ होता था, जो बड़े बड़े इनके जो टैंकर्स और बॉम्बिंग के आइटम्स, मेडिकल आइटम्स सब होते थे। ये जो ये पैक एरिया ना, यहाँ से इसका लोडिंग रहता था, ये खुलता है। तो ये देखो ये पूरा वीडियो में आप लोग देख रहे हैं नोज टू टेल, साइड में जो चेयर्स रखी है वो बैठने के लिए है, जो भी जो आर्मी ऑफिसर्स या नेवल के लोग आते थे। और ये बहुत ही अमेजिंग है, लाउड स्पीकर भी है जो इमरजेंसी में यूज़ होता था, एंड ये जो पायलट के इंस्ट्रक्शंस आते थे, पुराने ज़माने का है पूरा सिस्टम। देखो इंसुलेशन ब्लैंकेट से कैसा कवर है पूरा सीलिंग, साइड वॉल्स एरिया, एक लगता है एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर। ऑफकोर्स इसमें एयर कंडीशन भी है, और ये जो एरिया है ना, यहीं से लोडिंग ऑफलोडिंग होता था सारे इक्विपमेंट्स का। और पूरा देखो कैसा एक लैडर के जैसा दिख रहा है, मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि बैरिकेड लगा है, और ये लैडर से रियर डोर था। ये भी एक अलग टाइप का हेलीकॉप्टर है, इसका नाम है चिक्सो, ये जनरली एमरजेंसी एंड रेस्क्यू में यूज़ होता था पुराने ज़माने में, और 8 से 10 रेस्क्यू मेंबर्स को हम लेके जा सकते थे इस डोर के जरिए देखो अंदर बैठने के लिए, है ना सही बोल रहा हूँ मैं, 8 से 10 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। तो ये वो हेलीकॉप्टर, ये उसका कॉकपिट, पायलट वहाँ से इसको उड़ा सकते हैं। ये है पुराने ज़माने का तुर्किश का पैसेंजर एयरक्राफ्ट आई बिलीव, और काफ़ी पुराना है देखो, उस पर 1911 का एक लोगो रखा हुआ है। ये भी एक अलग टाइप का मॉडल है यहाँ पे, और मेरे को आप लोगों को कुछ दिखाना है। ये जो पार्ट है ना, ये जैसा एक एयरक्राफ्ट का नोज है राइट, तो ये यहाँ रखा है, किस लिए रखा है मुझे नहीं पता, बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ मे बी ये इमरजेंसी इवैक्यूएशन ड्रिल के लिए काम आता होगा, प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो यहाँ पे लाके रखे हैं दिखाने कैसा मतलब रखते, क्योंकि इसके लैंडिंग गेज भी नहीं है, इसको एक सपोर्ट पे रखा है बेस पे। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना। अभी हम लोग का वक्त हो रहा है जाने का, और हम लोग ने मिल के काफ़ी इंजॉय किया, सबसे ज्यादा अच्छा लगा हम लोग को चेस्ना एयरक्राफ्ट राइट, और क्या क्या अच्छा लगा, फाइटर एयरक्राफ्ट राइट, और हेलीकॉप्टर्स हाँ, अच्छा म्यूजियम है, 400 लीरा
अच्छा है, एक्सपेंसिव भी नहीं बोल सकते या सस्ता भी नहीं बोल सकते, लेकिन अंदर का जो म्यूजियम ओपन रहता ना तो वह था। अब ऐसे आप अपना प्लान करें टर्की आने का, अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, मासलामा। मासलामा, थैंक यू।